वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, मातरम मातरम, वंदे मातरम मातरम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय तू संस्कृतम, जय तू जय भारत, जय भारती। संस्कृत भाषा में हम इसीलिए देखने आए हैं, क्या है ये तो हमें उत्सुकता हो रही है। देखने के बाद हम समीक्षा कर सकते हैं कि क्या सब कैसा लगा। और आज तक जो हमने सुना है, जो कल हमने लोगों ने सुने कि बहुत अच्छा है चलचित्र, इसकी भाषा शैली अभिनय सब अच्छा है, राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देने वाला चलचित्र है। क्या है इस पिक्चर में खास और क्यों लोग देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है, संस्कृत में पिक्चर बनी है, फिल्म बनी है, पहली फिल्म बनी है। दूसरी भाषाओं में अंग्रेज में हिंदी में तो बनते ही हैं, और संस्कृत के फिल्म देखने के लिए हमारी बहुत उत्सुकता है। और इस पिक्चर में क्या है तो देखने के बाद हमें पता चलेगा, इतना पता है कि देश के विषय में अच्छा है। ये अमुक ब्रह्मास्मि जो मूवी है, ये जो है किस तरह से संस्कृत को बढ़ावा देगी? संस्कृतम आरंभ काले अपि जनभाषा आसी और इदानीं अस्माभिः दृष्टं नास्ति, परं यत् द्रष्टुम् आगतः तो तस्य प्रस्तुतिः एवं स्यात् यत् जन जन भाषा भवेत् तर्हि रुचिकरम् और जन संप्रेषणम् भविष्यति अनेन इति कारणात् वयम् अत्यन्तं प्रसीदामः प्रसन्नाः। अहं संस्कृतभाषायामेव विवक्षामि, तत्र चलचित्रमिदं दृष्ट्वा वयं संस्कृतज्ञानां संस्कृतनिष्ठानां च मनः अतीव मोदते, तत्र प्रसन्नाय च अस्ति इदं चलचित्रम्। यत्र वक्तव्यं नास्ति, नास्ति कश्चन दोषः इत्येव। भाषा के विकास में या परिवर्तन में, सभ्यता के विकास में भाषा बहुत मायने रखता है। और भारत का जो आधारभूत भाषा है, संस्कृति है, वो संस्कृत है। हमारे जो आद्य ग्रंथ है, आद्य ग्रंथ नहीं बल्कि देवता का रूप है वेद, वो भी संस्कृत में है। हमारे पुराण, इतिहास, महाभारत, जितने भी चीज है वो सब संस्कृत में है। होनी चाहिए इस फिल्म को, आप प्रमोट करनी चाहिए, उसमें चार वर्ग का हिस्सा हम लोग होनी चाहिए। हम खुद संस्कृत के लोग आज देख रहे हैं, तो हम बहुत उत्साहित है। अब जिन्होंने ये कार्य अपने कार्य को कहा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी है और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा, मूवी आपको देख के कैसा लग रहा है? हमको बड़ा अनुभव महसूस हो रहा है, इससे आगे इसमें प्रगति होगी। इससे हमको क्या बुरा वहाँ अच्छा, बुरा वहाँ होता है जहाँ किसी में मतभेद हो, इसमें सब गुड़ ही गुड़ है, तो आप क्या उसमें कहेंगे? ये जो मूवी बनी है संस्कृत में, जो आज ने बनाया है हमारे संस्कृति को एकदम उजागर करने का प्रयास किया है, जो कि संस्कृत हमारे देश से खत्म हो गई है। आज आजाद जी के द्वारा ये जो संस्कृत मूवी बनी है, ये हमें एक मोटिवेशन देगा कि हम संस्कृत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और उसे देखें। और मैं तो लोगों से बोलूंगा इस मूवी को देखें। कौन सी मूवी आप लोगों ने देखी है? कैसा लगा आप लोग को? और उसमें क्या आपको अच्छी लगी? अभी आप बाहर पिक्चर देखकर आए हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो विश्व की पहली ऐसी पिक्चर है जो संस्कृत में रिलीज हुई है, क्या कहेंगे इसके लिए? मैं अगर अहम ब्रह्मास्मि की बात करूं तो जहां तक मेरा मानना है और जैसा मुझे लगा, मुझे मूवी बहुत ही अच्छी लगी और ओवरऑल सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। भैया मूवी बहुत अच्छी है, हमको थोड़ी सी समझ में तो नहीं आई संस्कृत में थी, लेकिन तपर में भी जितना भी कुछ समझ में आया उस हिसाब से मूवी बहुत अच्छी है। डायरेक्टर का बहुत सराहनीय कार्य है कि संस्कृत की मूवी बनी है, बहुत अच्छी इसका रिस्पांस भी रहेगा। मूवी अच्छी है अपने देश के लिए, अपने मतलब भारत के लिए संस्कृत में बनी हुई मूवी है जो कि संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। वाणी विद्यादायिनी, वाणी विद्यादायिनी।